हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जिसमें हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे सो so बेसिकली जब हम लोग फिलॉसफी को लेके चलते हैं तो बहुत सारी फिलॉसफी हो, कंसिडर होती है संख्या योगा वेदांता बुद्धिज्म जैनिज्म तो इस वाले वीडियो में हम लोग संख्या को कवर करेंगे कि किस किस बारे में है सबसे पहले तो द फाउंडर ऑफ संख्या फिलोसफी इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू सेज कपिला मतलब जो माना जाता है कि जिन्होंने संख्या फिलॉसफी दी थी जिन्होंने इस फिलॉसफी को यू you नो know, बनाया था या इसको जन्म दिया था एक तरह से आप कह सकते हैं वो कौन थे वो थे सेज कपेला ठीक है presented एंड सेज concepts द संख्यापल तो कपिला को माना जाता है कि वो एक फिलोसोफर थे एंड वो एक सेज थे एक साधु थे जिन्होंने इस संख्या philosophy को बनाया इसके कई सारे की कॉन्सेप्ट्स बनाए इसके प्रिंसिपल्स को डेवलप किया ठीक है ही इज ऑफेन रेफर टू ए सेज कपिला उनको कहा जाता है सेज कपिला एंड वो कंसिडर करे जाते हैं वन ऑफ द एंशियंट फिलोसफर्स इन इंडियन फिलोसफी ठीक है in क्या होता है उनको कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंशियंट फिलोसफर्स इन इंडियन फिलासफी ठीक है ये चीज समझ में आई आपको संख्या फिलोसफी क्लियर हो गई तो अभी अभी ऑब्वियसली अभी तो मेन पार्ट पढ़ेंगे बट ये किसने बनाया वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा उनको सेज कपिला बोला जाता है तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेज कपिला ने कौन सी फिलोसफी को बनाया तो उसमें तीन चार आपको फिलोसफी दे देंगे वेदांत योगा संख्या तो आपको दिमाग में रखना है टीचिंग एंड इनसाइड ऑन द नेचर ऑफ रियालिटी द डुअलिटी ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति कॉन्सेप्ट ऑफ गुनास एंड द पाथ ऑफ लिबरेशन आर फाउंडेशनल टू द संख्या स्कूल ऑफ थॉट फिर से देखिए तो उन्होंने बहुत सारी टीचिंग दी थी बहुत सारी इनसाइट दी थी इसी उन्होंने संख्या के अंदर कई सारी चीजें बोली अब उसके अंदर नेचर ऑफ़ रियालिटी की रियालिटी किस बारे में है क्या नेचर है उसका पुरुषा के बारे में डुअलिटी ऑफ पुरुषा पुरुषा एंड प्रकृति के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि वन बाय वन करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा गुनाज कॉन्सेप्ट ऑफ गुनाज यानी कि क्वालिटीज एंड लिबरेशन मोक्ष जिसे कहते हैं ना उसका जो पाथ है वो फाउंडेशनल है संख्या स्कूल ऑफ थॉट में तो संख्या फिलॉसफी में इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ठीक है हिस कॉन्ट्रीब्यूशन हैव हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको होगी कि अरे अभी कहाँ ऐसे रिलेटेबल है बहुत रिलेटेबल है इनफैक्ट कई चीज़ें आज भी आप देखेंगे आराम से उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिलाया हुआ है ठीक है हिस कॉन्ट्रीब्यूशन हैव हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलासफी एंड कंटिन्यू टू बी स्टडी एंड डिस्कस टू दिस डे तो आज जो हमारी फिलोसफी है, न, है कही ना प्रेजेंट डे कहीं ना कहीं उसका जो भी रूप है जो भी चीज़ें हैं वो उस टाइम की जो ये संख्या फिलोसफी थी उन्होंने उसको जन्म दिया है ठीक है आज भी इस बारे में जो पढ़ाया गया था इसके बारे में काफी चर्चा होती है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड द मटेरियल वर्ल्ड देखो इसने ये बोला है कि संख्या फिलोसफी जो है ना जो सेज कपिला प्रेजेंट की थी उसमें बोला जाता है कि हमने रियालिटी को बहुत अच्छे से एनालाइज किया अपने अस्तित्व को अपने एग्जिस्टेंस को हमने एनालाइज किया और हमारा जो रिलेशन है कॉन्शियसनेस जो हम सोचते हैं जो हमारे दिमाग में है जो हम मतलब समझते हैं और जो बाहरी वर्ल्ड है उसके बीच के रिलेशनशिप को इसने समझाया सो so, कुछ मेन प्रिंसिपल जो संख्या फिलोसफी के हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट इज ये आपने वर्ड कई बार सुन लिया अभी अभी में डुअलिज्म ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति क्या वर्ड सुना पुरुषा एंड प्रकृति यहाँ पे क्या मतलब है संख्या फिलोसफी पोजिट्स अ फंडामेंटल डुअलिटी बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति मैटर ऑफ नेचर देखो पुरुषा का मतलब क्या है कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति मतलब मैटर और नेचर मेटलिस्टिक मान लीजिए आप इसको सो जो हमारा पुरुषा होता है ठीक है जब हम संख्या फिलोसफी की बात करते हैं दोनों चीजों के बारे में बात कही गई है जो पुरुषा है वो इटर्नल है इट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू चेंज ठीक है पुरुषा आप ये मान लीजिए बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस ठीक है एंड ये इनडस्ट्रक्टेबल है आप इसको चेंज नहीं कर सकते परमानेंट है हर एक चीज ठीक है ये हमारा पुरुषा होता है लेकिन अगर हम प्रकृति की बात करते हैं इट इज मटेरियल सबस्ट्रेटम दैट इनकम्पास द फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट जब आप बोलते हो प्रकृति के बारे में कि प्रकृति क्या है तो प्रकृति का मतलब होता है बाहरी दुनिया बाहरी दुनिया मतलब बाहर की जो चीजें हैं ठीक है बाहरी फैक्टर्स जो है फिजिकल वर्ल्ड जो है वो हमारे आ जाते हैं मतलब आप सोचिए कि कोई भी चीज हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी चीज हम मटेरियल यूनिवर्स की बात करते हैं ना वो सारी चीजें हमारी प्रकृति में आ जाती हैं ठीक है सो इट इज बेसिकली पॉजिटिव यानी कि प्रकृति रीजन है एंड इट ऑल्सो अकाउंट फॉर फिजिकल बोथ माइंड एंड मैटर ये बात याद रखनी है कि इसमें माइंड भी आ जाता है एंड मैटर आ जाता है लेकिन ये आपका बाहरी कंपोनेंट फिजिकल वर्ल्ड के बारे में है ठीक है ना अब इसमें गुनास भी आते हैं गुना पढ़ेंगे हम लोग जिसमें सत्वा राजस एंड तमस आते हैं तो वो भी इसका पार्ट है सो so, संख्या फिलोसफी कैटेगराइजेज द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स इंटू ट्वेंटी फोर डिस्टिंक्ट कॉस्मिक प्रिंसिपल्स और तत्व संख्या फिलोसफी में जो यूनिवर्स है ठीक है जो बाहरी यूनिवर्स है उसको चौबीस डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल या तत्व में यूनो ऐसे बाट दिया है ठीक है अब इसमें प्रिंसिपल्स के अंदर ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें ग्रॉस एंड सटल एलिमेंट सच एज द फाइव ग्रॉस एलिमेंट काफी सारी चीजें आ जाएंगी जैसे कि एक तो हमारे नॉर्मल हम बात करते हैं ना पानी आग एयर अर्थ इस सब चीजों की ये सब इसके अंदर आ जाती है उसके अलावा जब हम बात करते हैं फाइव सटल एलिमेंट सेंसरी ऑर्गन ठीक है हम किस तरह से चीजों को समझते हैं वो सब चीजें आ जाती हैं माइंड ईगो और कई सारी चीजें हमारी इन सटल एलिमेंट्स के अंदर आ जाती हैं तो बेसिकली हमारे जो ये तत्व हैं बाहरी दुनिया के ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं सो दे इंटरैक्ट एक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं मटेरियल वर्ल्ड की दीज तत्व इंटरैक्ट टू क्रिएट द डाइवर्सिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं ताकि एक डाइवर्सिटी क्रिएट हो मटेरियल वर्ल्ड की ठीक है ये चीज समझ में आई तो अभी तक हमने बात करी पुरुषा एंड प्रकृति की उसके अलावा तत्वास की बात करी अब हम बात करेंगे थ्री गुनाज क्वालिटीज की संख्या इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री गुनास विच आर एट्रीब्यूटेड दैट कैरेक्टराइज द इंटरेक्शन ऑफ प्रकृति तो जो ये संख्या है इसमें तीन गुनास की बात हुई है तीन गुनास कौन कौन से हुए सत्व रजस एंड तमस आप आयुर्वेद में भी ये वर्ड सुनते रहते होंगे बहुत बार है ना तो ये तीन जो गुनास हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं सत्वा रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी बैलेंस हार्मनी क्लैरिटी ऑफ माइंड ठीक है ये सारी चीजें आपकी सत्वा रिप्रेजेंट करता है उसके अलावा रजस के एक्सप्रेन करता है रेस्टलेसनेस जिसे कहना चाहिए पैशन मेटलिज्म ये सब चीजें इसके अंदर आती है ठीक है मेटलिज्म भी इसके अंदर आता है ये हमारा मेटेरियलिज्म हो गया उसके बाद है ओ सॉरी यहाँ पे ए आएगा तमस तमस हमारा शो करता है डार्कनेस इग्नोरेंस इनर्शिया कहीं पे रोक लगी है ठीक है ये सारी चीजें हमारे थ्री अलग-अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती है उसके बाद आते हैं रोल ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट द माइंड एंड द इंटेलेक्ट आर कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति इसने ये बोला कि जो हमारा माइंड है और जो हमारा इंटेलेक्ट है ठीक है वो हम मानते हैं कि प्रोडक्ट है प्रकृति का द रोल ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति यानी कि जो भी प्रकृति का जिसे कहना चाहिए ना आपस में मेल से उसके प्रोडक्ट से ये माइंड और इंटेलेक्ट निकलता है माइंड हमारा रिस्पॉन्सिबल है हमारी जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब जो हम देख रहे हैं समझ रहे हैं फील कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने के लिए लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करने के लिए डिसाइड करने के लिए जजमेंट करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है उसके लिए मतलब सपोज माइंड क्या कर रहा है माइंड देख रहा है कि अच्छा ये आ रहा है ये आ रहा है ये चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ है लेकिन इंटेलेक्ट हमारी डिसीजंस लेने में मदद करता है ये थोड़ा ना कि जो भी सब चीजें आ रही है हर चीज मान लेते हैं नहीं हम सोचते हैं विचार करते हैं वो सब इसकी वजह से हो पाता है फिर आता है गोल ऑफ लिब्रेशन जिसमें आते हैं मोक्षा द अल्टीमेट गोल ऑफ संख्या फिलोसफी लाइक मेनी इंडियन सॉरी इंडियन फिलोसफी इज लिबरेशन जैसे कई सारी फिलोसफी की तरह संख्या फिलोसफी का जो मेन गोल है वो है लिब्रेशन यानी कि मोक्ष मोक्ष मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मौत जैसे कहते हैं कोई मर गया मरने के बाद भी कई बार लोग उनको मोक्ष नहीं मिलता तो मोक्ष मतलब बिल्कुल आप इसे कहते हैं साइकिल्स एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के बाद एक होता है ना कि आप छूट गए एकदम इस समाज से इस पूरी दुनिया से सो दैट इज मोक्ष एंड ये जो है ये इसको लिबरेशन बोला जाता है लिबरेट होना आजादी ठीक है फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड डेथ इज समसारा लिबरेशन इज अचीव थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति मतलब कि लिब्रेशन तब अचीव होता है जब कोई समझ लेता है डिफरेंस किसके बीच में पुरुष के बीच में और प्रकृति के बीच में कॉन्शियसनेस के बीच में और मैटर के बीच में बाय रिकोगनाइजिंग द इटर्नल नेचर ऑफ पुरुषा एंड द ट्रांजिट नेचर ऑफ प्रकृति वन कैन ट्रांजेंड द बाइंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड यानी कि जब हम समझते हैं रिकोगनाइज करते हैं क्या इटर्नल नेचर ऑफ पुरुषा जब हम नेचर पुरुषा का समझते हैं और प्रकृति चेंज होने वाला जो नेचर है प्रकृति का दोनों को समझते हैं तो हम देख सकते हैं कैसे इन्होंने मतलब पूरे वर्ल्ड को एक एक मतलब यू नो बांध रखा और कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं तो जब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ जाते हैं डिस्टिंक्शन समझ जाते हैं तब उसको लिबरेशन बोल सकते हैं फिर आते हैं पाथ ऑफ पाथ टू लिबरेशन में ठीक है ये बहुत ध्यान से सुनना संख्या फिलोसफी एम्फेसाइजेज नॉलेज एज द प्राइमरी मीन टू लिबरेशन मतलब यहाँ पे फोकस किस पे है नॉलेज पे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है संख्या फिलोसफी एम्फेसाइज करती है नॉलेज पे एज द प्राइमरी मीन्स टू लिबरेशन ये एनकरेज करती है प्रैक्टिशनर्स को कि वो डिफरेंस समझें बिटवीन द अनचेंजिंग पुरुषा क्योंकि पुरुषा तो चेंज नहीं हो रहा है एंड द चेंजिंग प्रकृति ठीक है तो जो भी फिलॉसफी में पढ़ते हैं समझते हैं चीजों को उनको बोलते हैं कि समझो आपकी पुरुषा में और प्रकृति में क्या डिफरेंस है उससे क्या होगा ना अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ रियालिटी वन केन फ्रीम सेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट टू द दटेरियल वर्ल्ड एंड अटेन लिबरेशन जब उन्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना तो वो इस इस पूरी दुनिया से मतलब जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें हमें चीजों से प्यार है या फिर आप कह सकते हैं हम अटैच्ड है मेटेरलिस्टिक चीजों से उससे आजादी मिल जाएगी ठीक है अच्छा संख्या फिलॉसफी डज नॉट फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ पर्सनल डाइटी वो किसी भी भगवान की किसी भी गॉड की पूजा करने पे फोकस नहीं करती है ये वाली फिलॉसफी इन स्टीड इट इम्फिसाइजेज द स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड द परस्यू ऑफ नॉलेज वो ये कहती है कि अगर आप स्परिचुअली जैसे लोग कहते ना कि हम इनको मानते हैं किसी भी भगवान को किसी भी गॉड को मानते हैं तो हम ये लिब्रेशन हमें मिलेगा तो बेसिकली यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप नॉलेज परस्यू करेंगे अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको स्पिरिचुअल लिब्रेशन भी मिल जाएगा सो इज इट्स बेसिकली वट डू वी से इट इम्फिसाइजेज ऑन द परस्यू ऑफ नॉलेज एज द मीन्स टू स्पिरिचुअल लिबरेशन ठीक है ये बात समझ में आई दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ये जो आपने पढ़ा ना ये तो एक बेसिक आपको आइडिया हो गया किसके बारे में ये अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ संख्या बट अभी हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन में इसने कैसे रोल प्ले करा ठीक है संख्या फिलॉसफी का काफी इंपैक्ट रहा है हमारे इंडियन कल्चर पे हमारे थॉट पे हमारी एजुकेशन पर वेल द इन्फ्लुएंस ऑफ संख्या फिलोसफी ऑन एजुकेशन माइंड नॉट बी एज प्रोमिनेंट एज थेट ऑफ द अदर फिलोसफी जैसे कि बाकी जो फिलोसफी हैं उनका असर बहुत दिखता है इसका इतना नहीं दिखता है लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कई तरीके हैं ऐसे कई वेज हैं जिसमें संख्या फिलॉसफी या संख्या प्रिंसिपल्स को हमने रिलेट किया है एजुकेशनल प्रैक्टिस के और प्रिंसिपल्स के साथ ठीक है अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्या और एजुकेशन में क्या रिलेशन है किस तरह से एक दूसरे को इम्पैक्ट किया गया है सबसे पहले यहाँ पर है एम्फेसिस ऑन नॉलेज देखो अभी लास्ट लाइन हमने जो यहाँ खत्म करी थी वो यही थी कि ये फोकस करता है परस्यू ऑफ नॉलेज पे तो संख्या फिलॉसफी फोकस करती है नॉलेज पे एज अ मीन्स टू लिब्रेशन मतलब अगर आजाद होना है मोक्ष चाहिए तो नॉलेज पे वो कहते हैं कि नॉलेज होनी चाहिए दिस फोकस ऑन नॉलेज हैज इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन एज इट एनकरेज द परस्यू ऑफ विजडम अंडरस्टैंडिंग एंड डिसनमेंट मतलब आपको चीजों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आप में वो विजडम होनी चाहिए वो समझदारी होनी चाहिए तो ये संख्या फिलोसफी इन सब चीजों पर फोकस करती है इन एजुकेशनल कॉन्टेक्सट दिस एम्फेसिस कैन बी सीन इन द वैल्यू प्लेस्ड ऑन इंटलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अगर हम बात करें एजुकेशनल कॉन्टेक्सट की तो ये जो एम्फेसिस है ये देखने को मिलता है किसमें जो हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं मतलब यहां पे कहा गया है कि इंटेलेक्चुअली डेवलप करना है खुद को नॉलेज गेन करनी है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हमें बढ़ाने हैं तो मतलब संख्या फिलोसफी को अगर आप आज एजुकेशन के साथ लिंक करोगे तो अगर नॉलेज परस्यू करने की बात करी गई है तो मतलब साथ में आपको अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करनी है आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप करनी है ठीक है डिसनमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन संख्या फिलोसफी हाईलाइट करती है क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डिसर्नमेंट एंड विवेका बिटवीन इंटरनल कॉन्शियस एंड चेंजिंग मटेरियल मतलब जो फिक्स है पुरुषा एंड प्रकृति के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ठीक है एंड ये जो प्रिंसिपल है ये आप एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हो कैसे आप बच्चों को कहो एनकरेज करो कि भाई डिफरेंस देखो क्या टेम्परेरी है क्या आप झेल सकते हो एंड क्या परमानेंट है हर चीज़ को एनालाइज करके सोच समझ के आप चॉइसेस लीजिए और अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए बैलेंस ऑफ गुनास के बारे में ये फिलोसफी बात करती है जो संख्या फिलोसफी कॉन्सेप्ट है थ्री गुना सेमस वो आप एजुकेशन के साथ रिलेट कर सकते हो ठीक है एजुकेटर्स में एम टू क्रिएट अ बैलेंस लर्निंग एनवाइ एजुकेटर्स क्या कर सकते हैं बैलेंस लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे क्लैरिटी आएगी एक्टिविटी एक प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलेगी और एक होता है ना कि जो आपके लिए सही चीजें नहीं है तमस में अगर हम मान लें तो वो हमें इग्नोर करना है उसको कम से कम करना है इग्नोरेंस यानी तमस पे कम ध्यान देना है सत्व और अजस पे ज्यादा ध्यान देना है ये कह सकते हैं कि और ऑब्वियसली एक चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते तो बैलेंस होना चाहिए ठीक है वो ये आपको जो संख्या फिलोसफी है आज की लाइफ में ये सिखाती है होलिस्टिक अप्रोच संख्या डिवीजन ऑफ द यूनिवर्स इनटू वेरियस तत्व ये तत्वासु कॉस्मिक प्रिंसिपल्स बोला है वो समझती है एक्नोलेज करती है कि भाई किस तरह से रियालिटी जो सच्चाई है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है और आपस में मिली हुई है सिमिलरली एजुकेशन कैन एडॉप्ट होलिस्टिक अप्रोच एजुकेशन से क्या हो सकता है ना हमें एक ओवरऑल अप्रोच हमें मिल सकती है जो क्या करे दैट कंसिडर द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रमोट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड हम दुनिया को किसी एक नजरिए से ना देखें हम दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखें क्योंकि हर एक चीज आपस में कॉम्प्लेक्स है और इंटरकनेक्टेड है तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच में बात हुई है ठीक है इसके बाद आता है क्रिटिकल इंक्वायरी पे संख्या फिलासफीज ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस अलाइन विद द आइडिया ऑफ एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एक्सप्लोर एंड क्रिटिकली एंगेज विद नॉलेज संख्या फिलासफी क्या करती है वो आपको समझने में मदद करती है कि भाई क्रिटिकल इंक्वायरी अपनी डेवलप करनी है मतलब ऐसा नहीं कि बस जो आया रिसीव किया सेंसरी ऑर्गन्स ने वो मान लिया नहीं हमें चीज़ों को समझना है एक्सप्लोर करना है क्रिटिकली उस नॉलेज के साथ एंगेज करना है एंड इससे हमें कॉन्सेप्ट्स की बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी और हम कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके देख पाएंगे मिला के देख पाएंगे ठीक है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके माइंड एंड इंटेलेक्ट्स की बात करती है कि देखिए कैसे हमारा माइंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कैसे हम इंटेलेक्चुअली डिसीजंस लेते हैं ठीक है इससे हमारे कॉग्नेटिव स्टाइल या आप कह सकते हो इससे हमारे टीचिंग मेथड पे भी फर्क पड़ता है तो ये चीजें आपके टीचिंग मेथड और लर्निंग स्टाइल पे असर डालती है एथिकल डेवलपमेंट वाइल्ड संख्या फिलॉसफी प्राइमरीली फोकस ऑन मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स इट्स टीचिंग अबाउट डिस्कर्मेंट एंड लिब्रेशन कैन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू एथिकल डेवलपमेंट एजुकेशन कैन फॉस्टर वैल्यूज एंड एथिकल प्रिंसिपल दैट अलाइन विद दिस कॉन्सेप्ट देखो इन्होंने तो ये बोल दिया कि, संख्या फिलोसफी जैसे बाकी सब चीज़ों पे फोकस ना करके कहती है कि नॉलेज पे फोकस करिए और मेटलिस्टिक चीज़ों को छोड़ के जो आपका यू नो कॉन्शियसनेस है उसको समझिए तो ये चीज़ कहीं कही ना कहीं हमारे अंदर एक एथिकल डेवलपमेंट क्रिएट करती है क्या सही है क्या गलत है क्या सिर्फ बाहर से अच्छा दिख रहा है क्या सिर्फ हमें एक्चुअली अपने अपने ऊपर अप्लाई करना है इन सब चीज़ों पर वर्क होता है ठीक है ये समझ में आया तो इस वीडियो में ना मैंने मेजर जो संख्या फिलोसफी है उसको पूरा कवर कर दिया है अगर आपको बहुत लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो किसी आपको एग्जाम के हिसाब से इसको पढ़ना है उसके लिए भी इनफ है एंड कोई शॉर्ट चीज में भी आपको समझाना है तो बहुत मेन मेन पॉइंट आप यहाँ से पिक कर सकते हो ठीक है आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये अच्छी लगी है तो कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एंड अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है आप उसके लिए भी एक बार कमेंट कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि उस पर कुछ वर्क कर सकूँ थैंक यू सो मच हैव एन नाइस डे आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए